नवरात्रि स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही आलू। दही आलू बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। नवरात्रों का अगर आपने व्रत रखा है तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, या नॉर्मल दिनों में जब भी आपका खाने का मन हो दही आलू तो आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है और खाने में एकदम टेस्टी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दही आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक चम्मच मैंने घी डाल दिया है, घी को पिघलने देंगे। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल लेंगे, साथ ही साथ मैंने एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है और साथ ही साथ एक चम्मच मैंने बारीक कटी हुई अदरक ली है। भून लेते हैं। इसमें से अगर कोई चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं तो आप उसे मत डालिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं। अब मैंने यहाँ चार उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मोटा मोटा मैंने तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसके पीसीस भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे मैंने तोड़ लिया है, ऐसे खड़े खड़े आलू हैं ये, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, तो मसाले में मैंने आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ली है, ये खाते हैं उस व्रत में, और एक चम्मच मैंने यहाँ अमचूर पाउडर लिया है और दो से तीन चम्मच मैंने यहाँ भुनी हुई मूंगफली का पाउडर बना लिया है, उसे दरदरा पीस लिया है। मूंगफली का पाउडर अगर आप डालेंगे दही आलू में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका, ये टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, तो करीब करीब एक कप में पानी डाल रही हूँ, आप पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें रख सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढक कर हम पका लेंगे करीब करीब दो से तीन मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। दो से तीन मिनट हो गई है, देखिए अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसमें दही डाल देंगे, तो यहाँ मैंने एक कप दही ली है। दही आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक कप दही ली है। डाल लेते हैं इसे, और दही डालने के तुरंत बाद हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दही फटने के चांस होंगे, तो दही को लगातार चलाते रहना है और इसे दो से तीन मिनट हम पका लेंगे अच्छे से। एक चम्मच मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है तो हम ये डाल लेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पका लेंगे दो से तीन मिनट तक। दो से तीन मिनट हो गई है, देखिए बनकर तैयार हैं दही आलू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप व्रत में धनिया खाते हैं तो आप डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे। बस ये बनकर तैयार है और पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, दही वाले आलू बनकर तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसे नवरात्रों के दिनों में खा सकते हैं या आप नॉर्मल दिनों में भी इसे खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अगर आप टमाटर खाते हैं व्रत में तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।